आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही क्रिस्पी नाश्ता। और इसके लिए मैंने क्या कर लिया है ये मैं आपको बताती हूँ। ये बनकर बहुत ही टेस्टी लगता है, आप इसे आसान तरीके से अपने घर में भी बना सकते हैं। और इसके लिए मैंने यहाँ बॉईल किए हुए आलू ले लिए हैं, प्याज लिया है मीडियम साइज़ का, ये मैंने कट कर लिया है बारीक, और मैंने एक कटोरी आटा लिया है। आज मैं गेहूँ के आटे से बनाकर दिखाऊंगी आपको बहुत ही क्रिस्पी नाश्ता। और सूखे मसालों में मैंने यहाँ एक चम्मच कुटा हुआ धनिया लिया है, अमचूर पाउडर लिया है, ज़ीरा पाउडर लिया है, नमक लिया है, लाल मिर्च पाउडर लिया है, चाट मसाला लिया है और ज़ीरा लिया है। और यहाँ मैंने कसूरी मेथी ली है, मटर ली है, चार से पाँच हरी मिर्च ली है, हरा धनिया लिया है, और मैंने एक कटोरी बेसन लिया है। और ये जो है मसाले ये बेसन के घोल में डालकर मैं पेस्ट बना लूँगी बहुत अच्छा। और ये मैंने आधी कटोरी बहुत कम है, देखिए आप देख सकते हैं कितना कम तेल है ये मैंने लिया है। चलिए गाइस बनाना शुरू करते हैं। गाइस ये मैंने अजवाइन ले ली है, आपको भी ऐसी अजवाइन ले लेनी है। और ये मैं हथेली पर डाल देती हूँ यहाँ से, और इसको हम हथेली की मदद से ऐसे क्रश, ये मैंने डाल दिया। और नमक मैं डाल देती हूँ स्वाद अनुसार, मैं इसमें डाल देती हूँ अपना तेल, आप रिफाइंड भी ले सकते हैं, तेल भी ले सकते हैं, देसी घी भी ले सकते हैं, आपकी रसोई में जो अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। और उसको मैं हंसे ऐसे धीरे धीरे मसलती रहूँगी तब तक कि ये हमारा रिफाइंड ऑयल इसमें अच्छे से मिक्स ना हो जाए। डायरेक्ट पानी नहीं डालना गाइस, आप देख सकते हैं आपको ऐसे ही करना है। और हम ऐसे ही इसको मिलाते जाएंगे तब तक ये अच्छे से नहीं मिलेगा, आपको भी ऐसे ही करना है। देखिए मैंने ऐसे में अच्छे से मिला लिया इसको, और मैं धीरे धीरे इसका आटा गूंथती हूँ। इसका ध्यान रहे आपको कैड़ा आटा लगाना है, पतला बिल्कुल भी नहीं लगाना, जितना कैड़ा लगाओगे उतनी अच्छे बनेंगे, उतनी क्रिस्पी बनेंगे आपके। मन जब भी कुछ कुरकुरे खाने का हो, क्रिस्पी का नाश्ता खाने का हो, आप तभी बना सकते हैं इसको, ये फटाफट बन जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इसको बनाने में। और जो जो मसाले मैंने लिए हैं ये सारे हमेशा हमारे किचन में अवेलेबल रहते हैं, सर्दी में बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा बनता है क्योंकि फ्रेश मटर आती है। देखिए गाइस आटा मेरा लग चुका है, अब हम चलते हैं अपना बैटर बनाने के लिए। तैयार करते हैं हम अपने बेसन का बैटर। ये मैंने एक बड़ा बॉयल ले लिया है और उसमें डाल देती हूँ मैं बेसन, बेसन डाल दिया है मैंने। अब मैं डाल देती हूँ इसमें नमक मिर्च और हल्दी, ये भी मैंने डाल दी है। अब हम क्या करेंगे धीरे धीरे इसको पानी डालकर चलाते रहेंगे। देखिए गाइस आपको ऐसा बैटर लगाना है, ये बिल्कुल, ये देखिए कितना अच्छा बैटर बन चुका है हमारा, आपको भी बिल्कुल ऐसा ही लगाना है। अब चलते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ, अब हम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने कढ़ाई में तेल ले लिया है, एक चम्मच, ज़्यादा नहीं लिया है। इसमें मैं डाल देती हूँ ज़ीरा, और जैसे ज़ीरा थोड़ा हल्का सा ब्राउन होगा तभी हम इसमें अपने मटर डाल देंगे और प्याज। अब मैं डाल देती हूँ इसमें प्याज, प्याज मैंने डाल दिए हैं प्याज के साथ। अब थोड़ा सा फ्राई करेंगे हम इसको जीरे का। अब मैं डाल देती हूँ इसमें मटर, ध्यान रहे आपको मटर फ्राई करनी है, ये प्याज के साथ साथ में फ्राई हो जाएगी। मिर्ची डाल देते हैं, हम डाल देते हैं इसमें, देखिए मटर हमारी फ्राई हो चुकी है। आलू, आलू को मैंने ऐसे मैश कर लिया हाथ से। अब आलू के साथ साथ हम डाल देते हैं इसमें कसूरी मेथी और ये मसाले, मसालों के साथ साथ मैं डाल देती हूँ इसमें हरा धनिया। करना क्या है हमने, हमने इन्हें ऐसे करके भून लेना है, हमने इनको भून लेना है ऐसे थोड़ी देर पकान लेना है, एक से दो मिनट तक। ध्यान रहे पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है इसमें, बिना पानी के ही हमको इसको ऐसे पकाना है। अब हमारी फिलिंग तैयार हो चुकी है, हम इसे कढ़ाई में से बाहर निकाल लेते हैं। देखिए गाइस मेरी फिलिंग अंदर की तैयार है, अब बनाना शुरू करते हैं। अब हमने करना क्या है, हमने इतना बड़ा आटे का पेड़ा ले लेना है और हम इसको ऐसे बनाना शुरू करते हैं। अब हम इसको बेलना शुरू करते हैं, आपको इसे अच्छा खूब बड़ा रोटी लेना है गोल। गाइस देखिए आपको इतना गोल रोटी बेल लेनी है, और इसमें मैं रखती हूँ अब अपनी फिलिंग, ये ऐसे आपको फैला लेनी है पूरे पे।
ठीक है गाइस, आपको ऐसे लगा लेना है इस पर। फिर हम धीरे धीरे ऐसे रोल बनाना शुरू करेंगे इसका, ऐसे। ये देखिए, ये बन गया हमारा रोल, बहुत ही अच्छा। अब हमने करना क्या है, आपको जिस पीसेस में भी खाना है, आपको लॉन्ग बनाने हैं लॉन्ग बना सकते हैं, शॉर्ट बनाने हैं शॉर्ट बना सकते हैं, इसमें छोटे पीसेस काटने हैं छोटे काट सकते हैं, बड़े काटने हैं बड़े काट सकते हैं। अब मैं सोच रही हूँ मैं कैसे काटूँ। वैसे तो अगर बड़े काटूँगी तो वो भी अच्छे लगेंगे, छोटे काटूँगी तो उससे ज़्यादा बेटर लगेंगे। तो चलिए गाइज काटते हैं, ये काटते हैं हम इस साइज़ में। ये देखिए गाइस, ना ये ज़्यादा छोटे हैं और ना ये ज़्यादा बड़े हैं, ये एकदम मीडियम साइज़ है। आपको भी ऐसे ही काटने हैं सेम, आप देख सकते हैं कितने अच्छे कटे हैं ये, आपको भी ऐसे ही काटने हैं। एक बार फिर से आपको दिखा सकती हूँ आपको करना क्या है। ये हमने रोटी बेल लेनी है और हम इस पर ये रख लेते हैं अपनी फीलिंग और इसको ऐसे भर लेनी है। एक बार फिर से मैं आपको रोल कर दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये हमारा रोल तैयार हो चुका है, कट कर लेती हूँ। देखिए गाइस, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, ये मैंने एक डाल कर देखा है। अब मैं इसमें से भी रोल ऐसे कर डाल देती हूँ बेसन पे टीप करके ऐसे। अब हम इसको ऐसे धीरे धीरे पलट लेते हैं, उसको पकने के लिए छोड़ देते हैं कुछ देर के लिए ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए। गाइस ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। ये कितने मस्त बने हैं ये गेहूँ के आटे से। तो गाइज आप देख सकते हैं मेरे पकोड़े कितने अच्छे बने हैं, ये सिर्फ आटे से बनाए हैं मैंने। ये देखिए आप कितने मस्त बने हैं, एक बार ज़रूर ट्राई करना। मैं आपको काट कर भी दिखाती हूँ। ये देखिए गाइज कितने मस्त बने हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।